नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल लव हैप्पी रेलवे। आज मैं आप लोगों को शेड्यूल ऑफ पावर के बारे में बताऊंगा कि शेड्यूल ऑफ पावर क्या होता है और यह क्यों जरूरी है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। शेड्यूल ऑफ पावर पढ़ने से पहले हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में समझना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और शेड्यूल ऑफ पावर इन दोनों में क्या तालमेल है। जिस प्रकार से एक घर में एक मुखिया होता है, उसके नीचे बच्चे होते हैं और उसका एक परिवार होता है, ठीक है, इसमें पहले से तय रहता है कि मुखिया का क्या काम है, बच्चों का क्या काम है, ये सारे अलग अलग जो है पावर्स तय रहती हैं। कभी कभी बच्चे भी मुखिया को सुपरसीड मतलब कहने उसके पैरेलल काम करने लगते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी प्रकार से फंक्शन करता है ऑर्गेनाइजेशन भी। आप डिवीजन का एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लीजिए, सबसे हमारे मुखिया है DRM महोदय, फिर उसके अंडर में अलग अलग ADRM होते हैं, ADRM के नीचे आपके ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं, ठीक, ब्रांच ऑफिसर के नीचे उनके ऑफिसर होते हैं और उनके नीचे जो है नॉन गेस्टेड होते हैं, नॉन गेस्टेड में भी उसी तरह से एक चैनल होता है। कहने का मतलब ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है जिसके आधार पर पता चलता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसके पावर पास कौन कौन सी पावर है, और जो पावर होती है वो किसको रिपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो सबसे ज्यादा आपका SOP शेड्यूल ऑफ पावर प्रभावित करता है वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी के ऊपर है। जैसे कि एक अधिकारी है वो डायरेक्ट DRM को रिपोर्ट करते हैं, उसके पास अलग पावर होगी। एक उसी रैंक का अधिकारी है जो कि 3 चैनलों पे होके DRM महोदय को रिपोर्ट करते हैं, उसके पास अलग पावर होगी। कुछ पावर्स ऐसी हैं जो कि लोकल स्तर पे डिसाइड की जाती हैं, कुछ पावर ऐसी हैं जो कि डिवीजन हेडक्वार्टर लेवल पे डिसाइड की जाती हैं, कुछ पावर ऐसी है जो रेलवे बोर्ड स्तर पे डिसाइड की जाती है। जो रेलवे बोर्ड ने जिस पावर को डिसाइड कर दिया कि आपको ये काम करना है और आप दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, उसके नीचे की जो जोनल स्तर पे हैं वो उस पावर को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो रेलवे बोर्ड ने बोला है वही सत्य है। यदि रेलवे बोर्ड ने बोल दिया, ऐसा लिखा है कि ये जोनल स्तर अपने स्तर पे डिसाइड करे, तो वो पावर्स जो है जोनल स्तर पे जो भी जिसको भी अथॉरिटी दी गई है वो डिसाइड करे कि पावर किसको डेलीगेट करनी है। यदि जोनल ने ऐसा लिख दिया कि नहीं डिवीजन स्तर अपने पे डिसाइड करे, तो डिवीजन अपने स्तर पे डिसाइड करेगा कि ये पावर किसको डेलीगेट करनी है। कहने का मतलब ये हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपका बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के आधार पे ही एक पता चलता है कि किसके पास कौन सी पावर हो सकती है, उसका स्टेटस उस ऑर्गेनाइजेशन पे कहाँ है, और उसी के अनुसार शेड्यूल ऑफ पावर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। हम शेड्यूल ऑफ पावर को समझने के लिए हमने अभी तक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को समझा, अब हम शेड्यूल ऑफ पावर को पढ़ते हैं कि शेड्यूल ऑफ पावर क्या है और शेड्यूल ऑफ पावर क्यों बनाई जाती है और शेड्यूल ऑफ पावर के बारे में कहां पर स्पष्ट लिखा है या इसकी कोई बुक है या नहीं है उसके बारे में पता करते हैं। अब शेड्यूल ऑफ पावर के लिए सबसे पहले आप रेलवे बोर्ड की वेबसाइट में जाएंगे, रेलवे बोर्ड की वेबसाइट में जाने के बाद डायरेक्टरेट में जाएंगे, वहां ट्रांसफॉर्मेशन सेल है, ट्रांसफॉर्मेशन सेल के अंदर मॉडल SOP 2018 मॉडल SOP 2018 है, आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें आपकी देखिए जो शेड्यूल ऑफ पावर्स है ये जो बुक होती है इसमें बहुत सारे जो लेटर्स हैं उनके आधार पर इसको क्लब करके एक बुक बनाई जाती है। जो मेन लेटर हैं वो अलग रहते हैं, उनका रेफरेंस देते हुए इसमें एक शॉर्ट में एक प्रोविजन कर दिया जाता है ताकि आपको मूल लेटर आपको ढूंढना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, इसकी एक समरी होती है मॉडल SOP 2018 ये जो भी SOP बनी होती है।
इससे ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आपको वो जो संबंधित पत्र है उस पत्र को आपको देखना पड़ेगा, उस पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है, किस कंडीशन में वो पावर दी गई है, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी उस संबंधित पत्र में लिखी रहती है। ठीक, पहले क्या होता था कि प्रत्येक रेलवे अपनी अलग अलग शेड्यूल ऑफ पावर बनाती थी, जिसमें कि भ्रांतियां बहुत होती थी। हमारे यहाँ पे वही पावर दूसरी जगह दी गई है और दूसरे रेलवे में दूसरी जगह पे, तो इससे क्या होता था कि मतलब बहुत सारी भ्रांतियां होती थी, वास्तव में शेड्यूल पावर ये पावर है किसके पास। फिर इसके लिए रेलवे बोर्ड ने एक स्पष्ट मॉडल एसओपी बनाई, उस मॉडल एसओपी में सभी जगह से सेंट्रलाइज कर दिया कि इस अनुसार काम करेंगे, जब तक कि लोकल या जनरल मैनेजर जो है उसको अलग से अपना पावर डेलीगेट न करें, तब तक ये एसओपी जो है आपकी सर्वमान्य रहेगी। इसके बारे में देखिए, हर जितने भी फंक्शन है आपके सबके लिए अलग वर्ड्स मैटर। मान लीजिए आपको बिल्डिंग बनानी है, टेंडर करने हैं, या और इस तरह से आपके वर्ड्स से संबंधित कार्य करने हैं इंजीनियरिंग के, तो उसके पास किसके पावर है, एडीएन के है, एसएससी है, सी के हैं, सीनियर डीएन के हैं, पीसी के पास, किसके पास पावर है, उसके बारे में आपको जानकारी इस वर्ड्स मैटर पर दी जाती है पार्ट वन पे। शेड्यूल ऑफ पावर पार्ट टू जो है इसमें मेडिकल्स मैटर में है कि लोकल परचेज दवाइयाँ कौन खरीदेगा, ऑपरेशन होना है तो बाहर से डॉक्टर कौन बुलाएगा, या और इस तरह से सर्जिकल मैटर पे या रेफर करना है किसी पेशेंट को तो कौन डिसाइड करेगा, या मेडिकल बोर्ड बैठाना तो मेडिकल बोर्ड कौन बैठा लेगा, मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होगा, इस तरह से जो भी आपके मेडिकल से संबंधित जो भी कार्य है वो मेडिकल मैटर के एसओपी में दिया गया है। ये जो पावर्स हैं वो इस एसओपी के अंतर्गत कवर्ड होते हैं। मिसलेनियस जिसका कहीं कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजों के बारे में मिसलेनियस मैटर है। स्टोर्स मैटर्स में है, आपको कोई सामान खरीदना है, परचेज करना स्टोर के थ्रू, कौन स्टॉक आइटम रहेगा, कौन नॉन स्टॉक रहेगा, कौन किसके एमएम के पास कितनी पावर, सीनियर डीएमएम कितने रुपए तक टेंडरिंग के सामान खरीद सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे मैटर्स हैं वो आप इसका जो है आप अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीजें आपके स्पष्ट जो है इसमें लिखी रहेंगी। इसी तरह से कॉमर्शियल मैटर पे हैं, आपके जो एडवर्टाइजमेंट संबंधित है, टेंडर से संबंधित है, लीज से संबंधित है, ये जो भी आपके कॉमर्शियल से संबंधित है मैटर, ये कॉमर्शियल जो है एसओपी में दिया रहता है। इस्टेब्लिशमेंट मैटर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये समझ लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसा मैटर है जो कि पूरे रेलवे से संबंधित है, पूरे रेलवे के एक एक कर्मचारी को इसको जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इस्टेब्लिशमेंट मैटर पे थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे कि ये इस्टेब्लिशमेंट मैटर के शेड्यूल ऑफ पावर क्या है और कैसे हैं। उसके अलावा बहुत सारे और हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट मैटर पे देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट मैटर को दो पार्टों में बांटा गया है, गेस्टेड और नॉन गेस्टेड। जो गेस्टेड होते हैं अधिकारी हैं, उनकी पावर्स सीधी सी बात है कि जे ग्रेड के नीचे से शुरू नहीं होती कोई पावर। असिस्टेंट ऑफिसर की भी जो मतलब छुट्टी भी सेंक्शन होगी वो जे ग्रेड या जो ब्रांच ऑफिसर होंगे सीनियर इंडिपेंडेंट उसके ऊपर कहीं होंगे, तो गेस्टेड के लिए गेस्टेड ही होगा और नॉन गेस्टेड के लिए जो है गेस्टेड होंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों के पावर्स अलग अलग हैं, जहां से नॉन गेस्टेड की खत्म हो सकता है वहां से गेस्टेड के लिए शुरुआत हो सकती है। ठीक है, जैसे कि ग्रांट ऑफ लीव है, कैजुअल लीवल लीव के लिए एक सबसे पहला मैटर कैजुअल लीव। कैजुअल लीव लिया गया है पीएचओडी सीएचओडी एचओडी के लिए फुल पावर है, किसी भी ऑफिसर जो संबंधित उसके नीचे अधीनस्थ है उनको सेंक्शन करने के लिए। डीआरएम के पास भी वही पावर है। ठीक है, डिवीजन ऑफिसर में जो आपके इंडिपेंडेंट चार्ज जो ऑफिसर है उनके पास भी फुल पावर है। रिमार्क्स में लिखा है फाइनेंस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, पावर अप टू फुल एंटाइटलमेंट रिस्पेक्ट ऑफिसर वर्किंग अंडर देयर कंट्रोल। मतलब फुल पावर का मतलब ये नहीं है कि अपने ऊपर उच्च अधिकारी या अपने मतलब जो है दूसरे ब्रांच ऑफिसर के आप सेंक्शन, ऐसा नहीं है। आपके नीचे जो भी अधिकारी होंगे उनके लिए आपको फुल पावर दी गई है। शेड्यूल ऑफ पावर समझने के लिए हमें सब चीजें समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फुल पावर लिखा है तो फुल पावर मतलब फुल पावर, ये हमारी एक लिमिट रहती है, दायरा रहता है कि हमारा फुल पावर किस परिपेक्ष में माना जाएगा, इसको आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है
कि आपने जो है इसको कट कर दिया कि भाई ये फुल पावर, मतलब फुल पावर ऐसा नहीं है, इसको आप रूल को पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा। ये अथॉरिटी आपको कहां दी गई है, रूल 236 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड IRAC वॉल्यूम 1985 के जो उसमें है 236 में ये दिखा गया है, वहां से उसको जो है पिकअप किया गया है, वहां के जो रूल्स हैं ये मॉडल SOP में लिखा गया, उसके तहत आपको ये शक्तियां दी गई हैं। LAP LHAP के बारे में वही चीज लिखा गया है कि PHOD के पास अपने नीचे जो भी अधिकारी हैं उनको लिए फुल पावर है, ठीक है। ब्रांच ऑफ DRM के लिए बोला गया फॉर ब्रांच ऑफिसर सिलेक्शन ग्रेड जे ग्रेड एस नीचे, मतलब जो ब्रांच ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनके लिए 21 दिन की है, यदि रिलीफ नहीं चाहिए तो, ये जो भी है, कहने का मतलब इसमें इसी तरह जे ग्रेड एस के लिए उसके नीचे का अधिकारी है उनके लिए छुट्टी के लिए है। इसमें भी लिखा हुआ है फाइनेंस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, लीव सेंस, ये जो छुट्टी आपको दी गई है, ये जो पावर दी जा रही है, ये विद इन इंडिया, मतलब इंडिया एक्स इंडिया लीव जो है नहीं है, ये भारत के अंदर ही रहने के लिए ये छुट्टी आपको दी गई है, बाहर आप जाएंगे तो ये पावर काम नहीं करेगी और आपको दूसरी पावर से दूसरे रूल से आपको एक्स इंडिया लीव लेना पड़ेगा। और जब भी आप छुट्टी लेंगे तो सीनियर DPO और सीनियर DFM दोनों को डिवीजन में एडवाइस करना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्ड दोनों के पास रहता है। सीनियर DFM जो है आपका जो लीव है गेस्टेड को मेंटेन रखते हैं तो उनको एडवाइस करना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से हेडक्वार्टर में PCPO और PFA, ये पावर आपको कहां दी गई है, पैरा 503 R1 एंड आइटम नंबर 1 ऑफ शेड्यूल ऑफ चैप्टर 5 R1 1995 रिप्रिंट 2008 रिप्रिंट, मतलब ये पावर आपको कहां दी गई है, ये अथॉरिटी जो है IRAC में यहां से आपको दी गई है। उसी तरह इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे LAP, जो हम लोग इन सर्विस में रहते हुए हम लोग जो 10 दिन की छुट्टी लेते हैं उसके बारे में लिखा गया है कि वो पावर कहां से ली गई है। पावर रिमार्क हम पढ़ लेते हैं, पावर ऑफ द फुल एंटाइटलमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वर्किंग, देखिए हर जगह एक ही शब्द लिखा हुआ है कि आपके अधीनस्थ या आपके अंडर में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके लिए ही वो पावर है, दूसरे के लिए पावर नहीं दी गई है। एस्टेब्लिशमेंट मैटर में जिसका आप एस्टेब्लिशमेंट डील कर रहे हैं उसके लिए है, छुट्टी के मैटर पे जो आपके अंडर स्टाफ काम कर रहा है अधिकारी काम कर रहा है उसके लिए है, ये आपको समझना है। लेकिन जो लीव इनकैशमेंट है वो आप किस कंडीशन में सेंक्शन, ऐसा नहीं कि फुल पावर है मतलब आप पूरी तरह से सेंक्शन, उसके लिए आपको बोला गया कुछ शर्तें हैं कुछ नियम उसका आपको पालन करना है, उन पालन ये शर्तें पूरी हो जाती हैं फिर आपको पावर दिया गया है कि आप ये छुट्टी सेंक्शन कर सकते हैं। इसलिए हमें SOP समझने से पहले जो रूल रेगुलेशन है या हमें जो शक्तियां दी गई हैं वो कब उपयोग करनी है किस कंडीशन में उपयोग करनी है उसके बारे में आपको समझना जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। लीव इनकैशमेंट ऑफ LAPE परमिटेड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 10 days ऑफ टाइम, मतलब जो उसका रूल्स है कि 10 दिन से ज्यादा एक बार में नहीं दे सकते हैं, पूरे लाइफ टाइम 60 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती है, ये पूरी जो छुट्टी है ये प्रोसीजर इसका उसका पालन करने के बाद ही आपको लीव इनकैशमेंट सेंक्शन करना है, ठीक है। इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, स्पेशल कहने का मतलब यह है कि लीव आउट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग प्रायर परमिशन टू लीव स्टेशन ऑफ, मतलब कहने का इंडिया के बाहर जाना है उसकी छुट्टी के बारे में आपको सेंक्शन करना है, कौन सेंक्शन करेगा। एक्स इंडिया लीव के मामले में APO को भी छुट्टी एक्स इंडिया लीव लेना है तो DRM या EDRM के नीचे किसी के पास पावर नहीं है, ठीक है, उसके बारे में पूरा रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है। एक्स लीव आउट ऑफ इंडिया विद इन इंडिया, ठीक है, मतलब जैसे भी जो भी पावर्स हैं आपको शेड्यूल ऑफ पावर का अध्ययन करना है और शेड्यूल ऑफ पावर के अनुसार ही आपको काम करना है। जो पावर आपके नहीं है और मान लीजिए एक APO है, एक APO छुट्टी दूसरे APO का सेंक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता है, यदि पूछोगे क्यों नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। वही सारी चीजें यही सारे डिसीजन लेने के लिए है शेड्यूल ऑफ पावर बनाया गया है, क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ये रूल परमिट नहीं करता है। मतलब ये है कि ये सीधा सीधा रेलवे में एक रूल लिखा हुआ है, आपको बताया गया है समझाया गया है कि आप इन्हीं रूलों के अंदर काम करना है, आप इस रूल के बाहर काम नहीं कर सकते हैं, हर मैटर्स के लिए अलग अलग है।
ये पावर्स दी गई हैं लिखित में। यदि जहां पे लिखित में पावर नहीं है तो उस कंडीशन में जो हेड ऑफ ऑफिस होते हैं वो अपने विवेक से वो पावर्स कहां पर है, किस मैटर पे है, वो अपना विवेक डिसाइड करेंगे, या डीआरएम महोदय या तो जीएम महोदय, ये दो के पास अपने पावर्स हैं कुछ कुछ मैटर्स पे, वो देखेंगे कि वो पावर्स उन्हें वो करनी है या जीएम महोदय करनी है, उसके नीचे का कोई अथॉरिटी नहीं करेगी। ठीक है, और वो सारी चीजें अलग अलग डिपेंड करती हैं कि गेस्टेड है कि नॉन गेस्टेड है, किस मैटर से पे है। ठीक है, वो इंटरप्रेट जो है करना पड़ता है अपने से, जहां पर लिखित नहीं है। वैसे रेलवे में हर चीजें लिखित में है, आपको कहीं भी कोई शंका है तो आप उसको लिखित में उससे जवाब आप मांगिए, लिखित में हेडक्वार्टर से मांगिए कि पावर किसके पास है। ये आपकी शेड्यूल ऑफ पावर, इसमें पूरा आपको एक एक करके लिखा हुआ है, इसमें कॉरिडोर में ही निकले हुए हैं, आपको उसका भी अध्ययन करना है कि वॉलंटियर एक्सेप्ट कौन कर सकता है, गेस्टेड में, नॉन गेस्टेड में, टीएम काउंटर साइन कौन कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एनओसी कौन दे सकता है, मतलब शेड्यूल ऑफ पावर आप अध्ययन करेंगे, शेड्यूल ऑफ पावर के अनुसार ही आप कोई भी फाइल पुटअप करेंगे, शेड्यूल ऑफ पावर लिखा हुआ है, शेड्यूल ऑफ पावर नहीं लिखा है तो संबंधित आप कुछ पत्र सर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मैंने बोला कि शेड्यूल ऑफ लेटर तो इशू हो जाते हैं लेकिन शेड्यूल ऑफ पावर में चीज नहीं आ पाती है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको दोनों चीजों को मिला के अध्ययन करना है और शेड्यूल ऑफ पावर को अच्छी तरह से पढ़ना है। मेरे हिसाब से जो मैंने आपको वीडियो बनाया है शेड्यूल ऑफ पावर के संबंध में, ये आपको समझ में आ गया होगा कि शेड्यूल ऑफ पावर और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इन दोनों को मिला के आपको पढ़ना है, अलग अलग आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैंने वही बोला कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में आप देखिए कि जितने प्रोडक्शन यूनिट्स या जितने जीएम होते हैं वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं सीआरबी को, महोदय को। ठीक है, मेंबर फ्रैक्शन ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं, डीजी ये भी जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी चीजें अलग अलग हैं वो सब अपने अपने किसको कौन रिपोर्ट करता उसी अनुसार से उनकी पावर डिसाइड की जाती हैं। ठीक, मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, और किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप रेलवे बोर्ड की वेबसाइट इंडियन railways.gov.in को आप लॉगिन मतलब ओपन करें और वहां पे उसका जो भी चीजें हैं और सारी चीजें आप उसका अध्ययन करिए, क्योंकि बताने में और पढ़ने में बहुत अंतर होता है, आप दोनों चीज सुनिए भी पढ़िए भी। ठीक है, ये आपको देखिए डायरेक्टर जनरल आरपीएफ और सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड दोनों डायरेक्टली जो है रिपोर्ट कर रहे हैं जिसको चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड को। ठीक है, चेयरमैन सीईओ रेलवे बोर्ड रिपोर्ट कर रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवे को उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना है जिसके तहत जिम्मेदारियां तय होती हैं, जिनके तहत बताया जाता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अधीनस्थ काम करेगा, और उसी अनुसार जो है मॉडल एसओपी या शेड्यूल ऑफ पावर जो है बना हुआ है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और जानकारी के लिए आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट को जो है ओपन करिए और उसका अध्ययन करिए। धन्यवाद।